बंगाल में हुआ। प्रमुख फिल्में अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी, चारुलता, महानगर, गोपी, गायन, बाका, बायने, पथेर पंचाली, बंगला, शतरंज के खिलाड़ी, सत्यगति, हिंदी आदि प्रमुख है। इनकी जो उन्होंने प्रमुख फिल्में बनाई हैं उनके नाम हैं। प्रमुख रचनाएं जो उन्होंने की वो क्या हैं? वो हैं सनकू के कारनामे, सोने का किला, जहांगीरे की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। प्रमुख सम्मान फ्रांस के लेखक डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत में हर महत्वपूर्ण सम्मान मिला। और उनकी मृत्यु भी 1992 में। इन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था पथेर पंचाली। उन्होंने एक फिल्म बनाई अप्पू के साथ ढाई साल में उन्होंने पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग की। काम काफ़ी दिनों तक चला। कम से कम काम जो था वो ढाई साल तक चला। उन्होंने ढाई साल तक वर्क किया, काम एक ही फिल्म पर काम किया। उसका क्या रिजल्ट था? इनकी आर्थिक स्थिति जो थी उनकी वो बहुत कमज़ोर थी। उन्हें पैसे की बहुत तंगी थी और वो विज्ञापन का कार्य एक पार्ट टाइम जॉब करते थे, नौकरी करते थे विज्ञापन का। तो वो क्या करते थे कि जब उनके पास पैसा हो जाता था, जोड़ लेते थे, कलेक्ट कर लेते थे, तो वो क्या करते थे, फिल्म शुरू कर देते थे। और जैसे ही उनके पास पैसा ख़त्म हो जाता था तो वो फिर पैसे जुटाने में नौकरी कर लिया करते थे पैसे जोड़ने के लिए। तो इसी तरह से उनको एक ही फिल्म बनाने में कम से कम ढाई साल लग गए। ढाई साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी में काम के लिए फुर्सत मिलती तो शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। जैसा मैंने आपको बताया कि उनको शूटिंग के लिए वो शूटिंग करते थे लेकिन उनके पास कोई पर्याप्त तो पैसा नहीं था उनके पास, जिससे वो पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने पर शूटिंग स्थगित करनी पड़ती थी। शूटिंग के आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में एक संदर्भ में इश्तहार किया, मतलब एक विज्ञापन निकाला। उन्होंने क्या करा कि एक लड़का उन्हें मिल ही नहीं रहा था तो उन्होंने पेपर में, अखबार में एक विज्ञापन निकाल दिया, एक इश्तहार निकाल दिया कि मुझे अप्पू के ऑडिशन के लिए एक लड़के की ज़रूरत है, 6 साल के बच्चे की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया, राज बिहारी एवेन्यू के ही बिल्डिंग में, राज बिहारी एवेन्यू के बिल्डिंग में ही मैंने एक कमरा भाड़े में लिया था। मतलब मैंने वहीं पर पास में एक कमरा भाड़े में लिया, वहाँ पे बच्चे के इंटरव्यू के लिए आते थे और वहाँ पर बच्चे जो थे वो इंटरव्यू के लिए आने लगे। इंटरव्यू के लिए बहुत ही लड़के आए लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था, जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक लड़का आया, मतलब बहुत सारे लड़के मैंने ऑडिशन के लिए बुलाए लेकिन उसमें से क्या हुआ कि एक भी लड़का नहीं आया वहाँ पर ऑडिशन के लिए। तो क्या हुआ कि उसमें इत्तेफाक की बात है कि एक लड़का आया जिसके बाल कटे हुए थे और उसके गले में बहुत सारा पाउडर लगा हुआ था। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ तो मैंने उससे बोला, भाई जी आप अभी उसको बाल कटवा कर ला रहे हैं क्या? उनके मतलब पिताजी से बोले कि क्या अभी आप उसको बाल कटवा कर लिए चले आ रहे हैं क्या? तो बोले नहीं, ये उनकी चोरी पकड़ी गई, उनकी जो उन्होंने जो छुपाया था वो उनको पकड़ने आ गया। और उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो लड़की थी और आपको के ऑडिशन के लिए इसने अपने बाल कटवाए तो मैं इसको उसके बाल कटवा कर ऑडिशन दिलाने के लिए यहाँ पर आ गया या यहाँ पर ले आना। फिर क्या हुआ कि अप्पू उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के फूलों नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का ना मिलने
गया, लेकिन एक दिन मेरी पत्नी क्या हुआ कि जैसे ही मतलब अप्पू के लड़के की भूमिका के लिए कोई लड़का ही नहीं मिला था, वो भी एक था, तो वो भी मतलब वो एक तो ऐसा होगा कि वो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो लड़की बनकर चला, लड़की ही आ गई थी बाल कटवा कर अप्पू के ऑडिशन के लिए, लेकिन विज्ञापन के लिए जिस तरह से उनको लड़का चाहिए था सत्यजीत राय को, तो उस तरह का उन्हें लड़का नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने एक दिन उनकी जो बीवी थी, उनकी जो वाइफ थी, तो एक दिन उनकी पत्नी ऊपर छत पर जाकर कपड़े सुखा रही थी, कपड़े सुखा रही थी कि छत पर पास के मकान में छत पर उन्हें एक लड़का दिखा देखा। तो उन्होंने अपने पति को आवाज़ दिया सत्यजीत राय को, उन्होंने कहा कि जरा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोसी में घर में रहने वाला लड़का सुबेर बनारसी की पते पंचाली का आपू बना, मतलब सुबेर उसका नाम था सुबीर बनर्जी। सुबीर बनर्जी मतलब उनको उस आपू के रोल के लिए उन्हें अच्छा लगा और उन्हें उसे वो रोल प्ले करने के लिए मिल गया। फिर और उसी की बहन को और आपू की ही बहन को दुर्गा का रोल भी प्ले करने को मिला। फिर क्या कि पास फिल्म में काम आगे ही 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का मुझे अंदाज़ा भी ना था। मतलब राइटर कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि ये जो हम फिल्म बनाने जा रहे हैं ये कम से कम 2.5 साल तक चलेगी। तो 2.5 साल तक ये फिल्म चलेगी इसकी तो मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन वैसे वैसे मुझे इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। लेकिन जैसे जैसे मेरे पास समय का अभाव होता गया, मतलब समय बढ़ता गया, समय जा रहा था, लोग मुझे इस बात की बड़ी चिंता हो रही थी कि अप्पू और दुर्गा की भूमिका जिस भूमिका निभा रहे थे वो बच्चे, जैसे हमें छोटे बच्चे दिखाने थे, 6 साल के बच्चे दिखाने थे, ऐसा ना हो कि वो बच्चे बड़े हो जाएं, तो मुझे उनकी भूमिका के लिए अब मैं दूसरा बच्चा कहाँ से लाऊंगा। तो 6 साल के जो वो प्ले कर रहे थे, रोल प्ले कर रहे थे, तो फिर उसके बाद हम उसको दूसरे बच्चे उसी उम्र के अगर बढ़ जाएंगे तो अजीब नहीं लगेगा। तो इस कारण से इन्हें उस बात की बड़ी ही चिंता थी। फिर क्या हुआ, लेकिन बड़ी खुशकिस्मती की उम्र की उस उम्र में जितने जल्दी बढ़ते हैं और अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बने। लेकिन ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, खुशी की बात थी कि उस जिस उम्र में वो बच्चे होते हैं 6-7 साल के बच्चे, वो काफ़ी जल्दी बढ़ते हैं, हर साल मतलब बहुत ग्रोथ कर लेते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन वो नहीं बढ़े। मतलब वो अप्पू और दुर्गा निभाने वाले प्ले वाले बच्चे मेरे उतने नहीं बढ़े जितने की मुझे डर था। और इत्तेफाक की बात ये भी है कि इंदिरा ठाकुरान की भूमिका निभाने वाली, जो इंदिरा ठाकुरान की भूमिका निभा रही थी, 80 साल की बुजुर्ग चुन्नी वाला देवी, ये 2.5 साल तक काम कर सकी मेरे साथ। 80 साल की जो महिला थी जो कि इंदिरा ठाकुरान का रोल प्ले कर रही थी, वो भी मेरे साथ 2.5 साल तक काम करती रही, उसे भी कुछ नहीं हुआ। ये मेरे सौभाग्य की बात है। शूटिंग के शुरुआत में ही एक गड़बड़ी हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता के 70 मील पर पालसिक नाम के एक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास कासूट का भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन को शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, मतलब हम लोग जो राइटर था वो पालसिक गया और उसे क्या प्ले करना था वहाँ पर कि जो बच्चे हैं वो पहली बार रेलगाड़ी देख रहे हैं, अप्पू क्या है पहली बार रेलगाड़ी देखता है, वो सीन उन्हें प्ले करना था, उन्हें दिखाना था वो सीन। फिर इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। इस सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। मतलब अगर हम ये चाहते कि एक ही दिन में मतलब पूरी शूटिंग हो जाए तो ये नामुमकिन था, मतलब हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जो रोल था जो हम दिखाना चाहते थे वो बहुत बड़ा था और शूटिंग बहुत बड़ी थी, इसलिए ये मुमकिन नहीं था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदाती पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू कासपुर के वन में पहुंचता है। कासपुर के वन में
सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे। बाकी सिंह के बाद चित्रित करने के बोराए मीन्स बौखलाए, मतलब कुछ समझ में ना आना किसी चीज को, बोराए हुए मतलब पागल जैसे घूमना इधर उधर, ठीक है, वो बोराए हुए थे। फिर बाकी ये सिंह के सत्य के चित्रित करने के निर्णय लेकर घर घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए जगह गए तो जगह हमें पहचान नहीं आई। क्या हुआ कि जब उन्होंने फिल्म प्ले की, जब उन्होंने शूटिंग करी तो उस समय कास्ट फूलों से भरा हुआ मैदान था जहाँ पर उन्हें पिक्चर एक शूटिंग बच्चों के साथ करनी थी। तो जब उन्होंने आधी शूटिंग करी और फिर उसके बाद किसी के दिमाग ठीक नहीं थे तो वो लोग अपने घर वापस चले गए। और उसके बाद जब वो 8 दिन बाद फिर वापस उसी जगह पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि जो कास्ट फूल का मैदान था वो सपाट था, चौपट कर दिया था। किसने जानवरों ने, गाय भैंसों ने उसे खाकर प्लेन कर दिया था। तो फिर वहाँ तो अब शूटिंग हो ही नहीं सकती थी। क्यों नहीं, क्योंकि जो पहला सीन था उसको दूसरे के सीन में कैसे एडजस्ट कर दो, कैसे एडजस्टमेंट होता उसका। तो उन्होंने क्या करा, सीन को चित्रित करने का निर्णय करने के लिए घर पहुँचे। फिर क्या हुआ, कहाँ गए कि सारे कास्ट फूल बीच के 7 दिनों में जानवरों ने सारा कास्ट फूल खा गए। हाँ, फिर उसके बाद हम कहाँ गए थे, सारे कास्ट फूल बीच में 7 दिन जानवरों ने सारे कास्ट फूल खा डाले। अब अगर हम सब जगह बाकी आधे सीन में शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बिठाते, मतलब अगर हम ऐसे प्लेन मैदान पर शूटिंग कर लेते तो जो आधे फूल जो कास्ट फूलों के साथ जो हमकी शूटिंग हुई थी उसका तालमेल कहाँ बिठाते, कैसे करते, तो कम्युनिटी नदारद हो जाती, मतलब जो उनके बीच का वो था उसके बाद मतलब बेकार ही लगता सीन, अच्छा नहीं लगता। उस सीन की बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से मैदान में कास्ट फूलों से भर गया तब। उसी समय रेलगाड़ी का भी शॉट दिए। पहले की रेलगाड़ी के इतने शॉट थे कि रेलगाड़ी में काम नहीं चला, एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला, एक के बाद 3 रेलगाड़ी हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक इतनी रेलगाड़ियाँ ऐसे लाइन पर से जाती हैं, यह पहले की टाइम टेबल देखकर जान लिया। हर एक ट्रेन एक ही दिशा में आने वाली थी, जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू ने इंजन ड्राइवर के केबिन में चढ़ते थे क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह पास आते ही बॉयलर के कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। मतलब उन्होंने एक कास्ट फूलों के पीछे उन्हें एक धुआं दिखाना था, मतलब वाइट के पीछे ब्लैक दिखाना था। अगर बैकग्राउंड वाइट के पीछे ब्लैक नहीं दिखाते तो वो अच्छा नहीं लगता। तो वो इसलिए अब तो क्या, अब तो ट्रेनें लाइटें और उससे चलने लगी हैं, लेकिन पहले ट्रेनें कोयले से चलती थी तो धुआं निकलता था काला, अब तो ट्रेनों में धुआं होता ही नहीं है। तो क्या करते थे, तो उन्होंने जब भी कोई पास ट्रेन आती थी तो उसमें कोयला डालना पड़ता था ट्रेनों में कि जिससे वो धुआं निकाले, और धुआं निकले सफ़ेद कास्ट फूलों की पृष्ठभूमि, अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। मतलब जो सफ़ेद कांच के फूल हैं और उनके पीछे का काला धुआं अगर दृश्य नहीं किया गया तो मान लीजिए कि कैसे हो पाएगा, कैसे अच्छा लगेगा, वो दृश्य अच्छा नहीं लगेगा। इस कारण से उन्होंने ऐसा किया। फिर उसके बाद पथेर पंचाली फिल्म में यह सीन दिखाई देता है कि तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन को हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो सीन जो था वो इतनी अच्छे से प्ले हुआ, इतनी अच्छे से वो सीन प्ले हुआ कि मतलब कोई भी ये नहीं समझ सका कि हमने इस सीन के लिए 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग किया है, 3 रेलगाड़ियाँ बदली हैं, इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों में धुएं के दर्द इस प्रकार से चित्रित न कर पाते। मतलब अगर आज हम वो फिल्म बनाते तो शायद हम उसका वो धुआं नहीं दिखा पाते क्योंकि आज की जो रेलें हैं वो डीजल और बिजली से चलती हैं। आर्थिक अभाव के कारण हम बहुत दिनों तक हम अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देते हैं, मूल उपन्यास के अपू और दुर्गा की भूलो नामक पालतू कुत्तों का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमने ठीक बर्ताव करता था। फिल्म में एक दृश्य था कि अप्पू की माँ सर्वजया, मतलब
और क्या था कि लेकिन जो हमने उसी गांव में से एक कुत्ता लिया जो हम लोगों से ठीक बर्ताव करता था, मतलब अच्छा घुल मिल गया था। फिल्म का यह दृश्य था कि अप्पू की माँ सर्वजया उसे अपने हाथों से खाना खिला रही है। घोड़ों में कुत्ता दरवाजे में उनके आंगन में बैठकर अप्पू और उसकी माँ को ये खाना खाते देख रहा है। अप्पू के अप्पू को भात खाते हुए देख रहा है और अप्पू के हाथ में छोटे छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीट करके बैठा हुआ है और तीर कमान खेलने के लिए उतावला हो रहा है। अप्पू खाते खाते कमान में तीर छोड़ता है और बाद में खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए चला जाता है। सर्वजया बाएं हाथ से वह थाली अपने दाहिने हाथ के निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि अब यह खाना कुछ भी नहीं खाएगा और भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ की जो भात की थाली है उसकी ओर, मतलब जो सर्वजया के हाथ में जो बचा कुचा जो खाना है और वो जो भूला कुत्ता है जिसका नाम भूलो है वो उसकी हाथ वो देखता है कि मतलब ये कब ये कहीं डाले और मैं खा लूँ इसे खत्म कर लूँ। उसके बाद कुछ शॉर्ट में हमें ये दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा हुआ भात के गमले में डाल देती है और वो क्या करता है वो कुत्ता जो है वो खा लेता है, लेकिन यह शॉट अब उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई, मतलब शाम हो गई थी रात हो गई थी, इसलिए हम वो शॉट आगे नहीं ले पाए और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए और हमारे पास जो पैसे थे वो खत्म हो गए और हम उसे नहीं ले पाए। ठीक है, तो 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठे होने पर हम फिर बेडोल गाँव में उस सीन को बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहाँ जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं आया। लेकिन जब हम उसके बाद मतलब पैसा जब हमारा खत्म हो गया और 6 महीने बाद हम फिर से पैसा जोड़कर हम वो फिल्म की शूटिंग करने के लिए उसी गांव में गए और वो भूलो कुत्ते कुत्ते का शूटिंग करने के लिए उस कुत्ते को छूटा तो वो कुत्ता पता चला कि अब वो दुनिया में नहीं रहा। तो क्या है अब क्या होगा, खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक कुत्ता गाँव में है और अब उसे पकड़कर उसे कुत्ते को ला। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था, यह वह भूलो के बहुत से मिलता जुलता था, उसके शरीर में रंग और भूलो जैसे बादामी था, उसकी दुम के छोर पर भूलो की दुम के जैसा छोर जैसा ही सफेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे इस दृश्य की शूटिंग हुई। फिल्म देखते समय उस बात किसी के भी ध्यान में नहीं आई कि सीन में हमने भूलो की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों का प्रयोग किया है, मतलब इतनी अच्छा उन्होंने वो सीन प्ले किया कि वो कोई भी यह पहचान नहीं पाया कि उसकी जगह पर हमने एक दूसरा कुत्ता, वो पहला वाला कुत्ता नहीं है, उसी की जगह पर हमने कोई दूसरा कुत्ता लिया। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या थी। पथेर पंचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ता है। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है, वे मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा इस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे मिठाई वाले वह मिठाई जरूर खरीदेंगे और उसके मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। इस मतलब उन्होंने कहा कि अप्पू का मन होता है अप्पू दुर्गा का मन कि वो मिठाई खरीद कर खाएं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। एक मिठाई वाले के मिठाई खरीदने के लिए मतलब अप्पू का पैसा नहीं है तो वो क्या देखते हैं कि मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी के वे मिठाई जरूर खरीदेंगे और उसका मिठाई खरीदना देखकर ही वो दोनों बड़े ही खुश होते हैं। इस दृश्य में कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। ये दृश्य की शूटिंग के लिए हमारी मतलब चित्रित होने के बाद हमने इतना प्ले कर दिखाया उसके बाद प्ले किया उसके बाद हमारी शूटिंग कुछ दिनों के लिए रुक गई। पैसे हाथ आने पर फिर हम उस गाँव में शूटिंग के लिए पहुँचे। जैसे ही हमारे पास पैसा आया हम फिर से उस गांव में शूटिंग के लिए पहुँच गए तो फिर क्या देखते हैं उसमें कि पैसा मतलब खरीदने फिर उसके बाद क्या हुआ कि खबर मिली कि निवास की श्री निवास मिठाई वाले की भूमिका में जो सज्जन कर
की भूमिका के लिए हम जो सज्जन मिले उसका चेहरा पहले वाले उसके निवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले निवास जैसे ही थे। उन्हें हाँ उन पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर से निवास बांसगंज से बाहर आता है और अगले शॉट में दो नंबर से निवास कमरे और उसकी और पीट करके मुखर्जी के घर में गेट के अंदर जाता है। बघेल पंचाली फिल्म उनके अनेक लोगों ने एक ही अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई, ऐसा मैंने नहीं सुना। मतलब उन्होंने कई बार वो फिल्म देखी है, राइटर ने भी देखी है और लोगों ने भी, लेकिन ये कोई भी चेक नहीं कर पाया कि श्रीनिवास जो थे मिठाई वाले उनके बदले में भी कोई दूसरा व्यक्ति उस सीन को किया है किसी दूसरे व्यक्ति ने। इस श्रीनिवास के सीन में एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग हो गए थे और अब भी इस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से कुकुर के पास मिठाई वाला खड़ा है और मतलब कुकुर माने तालाब के पास मिठाई वाला खड़ा है और इस पार उसके घर में बात अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजर से देख रहा है। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले ने इस सवाल पे वे नाक में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है कि चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी के समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उसके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का तो सिखाया हुआ था नहीं। मतलब ऐसा हमें सीन लेना था कि मिठाई वाले के पीछे जैसे ही अप्पू और दुर्गा जाते हैं और उसी के पीछे वो कुत्ता भी उनके पीछे जाता है, लेकिन अब ऐसा सीन उन्हें चाहिए था। लेकिन ऐसा सीन कैसे मिले? क्योंकि वो कह रहे थे कि वो जो कुत्ता था वो तो उसी गांव का था, कोई हॉलीवुड का तो सिखाया हुआ कुत्ता था नहीं जो उसके पीछे जाएगा। इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था कि अप्पू दुर्गा जैसा भागने लगते हैं तुम अपने कुत्ते को भी उनके पीछे भागने के लिए कहना, लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई गया कि वो कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। उसके मालिक ने बोला जाओ जाओ, लेकिन वो नहीं गया। उधर हमारा कैमरा चालू ही था कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के साथ पीछे दौड़ा तो ही वह अपना कुत्ता पालतू कुत्ता लग सकता। आखिर मैंने दुर्गा से उसके हाथ में थोड़ी सी मिठाई छिपाने के लिए कहा और फिर कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उसके पीछे भागा और हमें अपनी इच्छा के अनुसार शॉट मिल गया। पैसों की कमी के कारण की बारिश का दृश्य चित्रित होने करने के बहुत मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में निर्भय आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से आपको दुर्गा भूमिका निभाने वाले बच्चे कैमरा और तकनीकशियन को साथ में लेकर रोज देहात में जाकर बैठा करते थे। आकाश में एक ही काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। मतलब फिर हमारे पास क्या हुआ, दूसरा शॉट आया जब हमें बरसात की भूमिका निभानी थी कि बारिश हो रही है और बारिश बराबर बारिश हो रही है और बारिश में कोई स्क्रीन प्ले करना था, लेकिन बारिश जब शरद ऋतु आई बरसात का मौसम आया तब मेरे पास पैसा नहीं था और जब पैसा आया तब बरसात निकल चुकी थी। अक्टूबर का माह था, लेकिन उन दिनों भी कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो इसी आशा में मैं अपनी सारे टीम को ले जाकर एक ध्यान में इंतजार करता कि अब बारिश होगी, काश बारिश हो जाए। आखिर एक दिन हुआ वैसा ही कि शरद ऋतु में ही आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हो गई। उसी बारिश की देखकर दुर्गा भागती हुई आई और उसके पेड़ के नीचे भाई के पास आश्रय लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी नेबूत पाता करना चाहे वृष्टि घरे जा, मतलब कि अब मुझे नेबूत पाता करना चाहे वृष्टि घर जा, अब बस बरस चुके, अब कितना बरसोगे, अब घर अपने घर जाओ। बरसात ठंड अप्पू का बदन खुला प्लास्टिक
कपड़े में ढके कैमरे की को आंख लगाकर दिखा देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। मतलब जब उन्होंने कैमरे के उस सीन को कैच करने की कोशिश की, लेने की कोशिश की, तो उन्होंने, और बरसात थी तो कैमरा भी पन्नी में ढका हुआ था बरसाती में, और उन्होंने उसमें से देखा कि जो अप्पू जो सीन कर रहा था वो ठंड के मारे सिहर रहा था, ठंड लग रही थी उसको, उसकी बॉडी मतलब। तो फिर जब ये शॉट पूरा हुआ तो उन्होंने क्या किया, अप्पू और दुर्गा को थोड़े से दूध में ब्रांडी मिलाकर दे दी और भाई बहनों का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पंचाली फिल्म देखी वे जानते हैं कि शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। जिन्होंने ये फिल्म देखी है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह फिल्म, ये शॉट बहुत अच्छे से चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि में गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू घर, दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव का मैदान, खेत, कुकुर, आम के पेड़, बांस और के झुंझुन, ये सभी बातें बेडोल गांव के आसपास में मिली। हाँ, उस गांव में बिजली आ गई, पक्के घर, पक्के रास्ते बन गए, उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हम बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, लेकिन वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। हम लोगों के बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था और वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले वाले ने यह जानकर भी गुस्सा हो गए और देखते ही चिल्लाते फिल्म वाले आए हैं भगा हुआ। अगर हम एक गाँव में गए शूटिंग, इनका ये है कहने का तात्पर्य कि जैसे ही हम एक बिडो गांव में गए जहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर अप्पू के जो हमें शूटिंग लेनी है, जो हमें रोल प्ले करना है, वो मुझे सब मिल जाएगा यहाँ पर। मतलब स्कूल मैदान, तालाब, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें इस गांव में पर्याप्त हैं। तो मुझे वहाँ गांव में एक ऐसा व्यक्ति मिला, एक ऐसा सज्जन मिले जो कम से कम ये बड़े अद्भुत थे और उनकी उम्र कम से कम 65 साल की थी। वो चिल्लाते और शूटिंग करते हुए जानकर वो उन्हें गुस्सा हो गया। जब उन्होंने पता चला कि हम लोग शूटिंग करने आए हैं तो वो हम लोगों को देखते से ही चिल्लाने लगे कि शूटिंग फिल्म वाले आए हैं। उन्होंने ये मतलब चिल्लाना शुरू करा कि मारो मारो, भगाओ भगाओ उनको, ये लोग शूटिंग वाले शूटिंग करने आए, मारो इन्हें लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि यह मानसिक रूप से बीमार हैं और बाद में सुबोध दा ने हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर प्रकाशन बैठकर वायलिन और लोकगीतों को बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में कुछ किताब है, वो साइकिल में जा रहा आदमी देख रहे होंगे, वह कौन है जानते हो? वह है रूज़वेल्ट अक्काबाजी। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उसके मतानुसार काजी थे और दुश्मन थे, मतलब वो ऐसा मानते थे, जिस उनकी को की मानसिक दशा सही नहीं थी। फिर उसके बाद जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था, उसके कारण हम बहुत परेशानी हो गई। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी भी राज के मुद्दे का लंबा भाषण शुरू करता था और फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता था तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद ना की होती तो धोबी सचमुच ही मेरा सिरदर्द बन जाता। जिस दिन हम पथेर पंचाली की शूटिंग करते थे वह हवा घर पर एकदम ध्वस्त अवस्था में, जिस घर की हमें पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग करने के लिए हमें जिस घर की आवश्यकता थी वह एकदम से उस गांव में जहां पर हमने अपनी शूटिंग की, उस गांव में एक घर था लिया किराए से जो पूरी तरह से ध्वस्त था, मतलब टूटा हुआ था अवस्था में मिला। मालिक कलकत्ता में रहता था, हमने घर की शूटिंग के लिए भाड़े पर दिया और उसकी मरम्मत करके हमने शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में लगभग एक महीना लगा। मतलब हमें उस घर को मरम्मत कराने, ठीक ठाक कराने में एक महीना लग गया।
रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डर भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हम शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है भूपेन बाबू? इस पर हाँ या ना का जवाब देते। इस एक दिन शॉट के लिए मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी कोई जवाब ना आने पर कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सांप उस खिड़की के कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। यह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों ने मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सत्य था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। मतलब उन्होंने गांव वालों ने कहा कि ये मारना नहीं, ये हमारे गांव का वास्तु सांप है। ये आपके घर बहुत दिनों, जिस घर में आप शूटिंग करते हो उस घर बहुत दिनों से टूटा फूटा पड़ा था, तो ये यही रहता था। मतलब उसने अपना निवास बना दिया था रहने के लिए। अब आपने रह लिया, इसलिए वो अपने घर से निकल कर जा रहा है, इसलिए इसे मारना उचित नहीं है। यह है पथेर पंचाली की आपकी कहानी अक्कू के ढाई साल। और ये आपकी स्टोरी मैंने आपको बता दी है कि इसमें क्या थी स्टोरी, अक्कू के साथ ढाई साल। मतलब सत्यजीत राय जो हमारे लेखक हैं, उन्होंने कैसे एक पथेर पंचाली फिल्म बनाई, उन्होंने उस फिल्म बनाने में उन्हें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और क्या क्या उन्हें परेशानियाँ आई हैं, इन सारी चीज़ों में उन्होंने कैसे उनको ढाई साल लग गए इस फिल्म को बनाने में, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस स्टोरी के जरिए, इस कहानी के जरिए आपको बता दी है। तो बच्चों, अगर अच्छा है, आपको ये समझ में आ गया होगा स्टोरी, और फिर आप अपनी बुक में एक बार मेरे पढ़ाने के बाद भी आप अपनी बुक में एक बार अच्छे से समझिए